गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, अजीज़ दोस्तों, मेरी जानिब से आप सबको सलाम और आदाब। सीनियर बांग्लादेशी ऑफिशियल्स अनाउंस दैट न्यू रूल विल चेंज नथिंग। द साउथ एशियन नेशन बांग्लादेश अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट इट्स पासपोर्ट विल नो लॉन्गर बियर द नेक्स्ट वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, लिफ्टिंग बैन ऑन इसराइल। बांग्लादेश डजंट रिकॉग्नाइज इसराइल हु विल अटेम्प्टिंग टू ट्रेवल इसराइल, आई मीन बांग्लादेशी सिटीजन विल बी इम्प्रिजन्ड। फॉर्मर वीकली ब्लिट्स एडिटर सलाहुद्दीन शुएब जेल सेंटेंस आफ्टर अटेम्प्टिंग टू ट्रेवल इसराइल इन ऑर्डर टू अटेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान कमाल टोल्ड अवर पॉलिसी फॉर इसराइल विल नेवर चेंज। He told Bangladesh news website BD News 24 reported। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश के सीनियर और अहलकारों ने कहा है कि इसराइल के लिए हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, और अगर कोई इसराइल के लिए ट्रेवल करेगा, सफ़र करेगा, तो उसको जेल भी हो सकती है। और ऐसी रिपोर्ट आई है कि हफ्ते के दिन यानी कल उन्होंने इसराइल पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी थी, यानी इसराइल को एक्सेप्ट करने के चांसेस थे, लेकिन वो जो वज़ीर दाखला असदुज्जमान खान कमाल, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसराइल को हमने तस्लीम नहीं किया है और इसराइल के लिए हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। ख़तरा ये भी है कि कोई अगर बांग्लादेशी शहरी इसराइल को जाएगा, कोशिश करेगा जाने की, उसको जेल भी हो सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, जबकि हफ्तावार ब्लिट्स के जो मुदीर थे सलाउद्दीन शुएब, उनको भी जेल हुई थी क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसराइल जाना था। वज़ीर दाखला जो हैं असदुज्जमान खान कमाल, उन्होंने ये रिपोर्ट की है, और ये रिपोर्ट हुई है बांग्लादेश न्यूज़ वेबसाइट जो है BD News 24 पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।